Welcome to my class, students. We are doing English. It so happened, and this is the chapter, the comet one, and this is session one. और ये क्या है? Text है. तो ये comet किसे कहते हैं? आपने देखा होगा आसमान में हम लोग क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा. But that is actually the comet. So let's start. What is there in this chapter? Before you read, a new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. एक नया कॉमेट, ये क्या हुआ है? अपीयर हुआ है आसमान में और वो धरती की तरफ आ रहा है. A head on collision. और जो collision है वो head on है, मतलब कभी भी टक्कर हो सकती है, which is nearly unavoidable. और जिसको कि रोका नहीं जा सकता है, unavoidable, आप उसको avoid नहीं कर सकते. Will mean the end of life on this planet. और अगर ऐसा हुआ, अगर collision हुआ, अगर टक्कर हुई, इसका मतलब जो हमारा planet है उसके ऊपर जीवन का अंत हो जाएगा. How dangerous it is. Scientists and religious leaders react to this situation in two different ways. तो जो scientist है, वैज्ञानिक है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी react कर रहे हैं इस situation पर. और जो रिलीजियस लीडर्स है, जो हमारे पंडित है, भविष्यवक्ता है, जो हमारी कुंडली देखते हैं, वो भी इसके ऊपर अपने हिसाब से वो क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं. रिएक्ट टू दिस सिचुएशन टू डिफरेंट वेज. व्हाट हैपेंस टू द कॉमेट? तो देखते हैं उस वो कॉमेट जो आ रहा है वो टकराता है नहीं, या क्या जो रिएक्शन है कि दोनों दो तरह के. देखो ये विज्ञान है और ये क्या है, रिलीजियस लीडर्स क्या है, वो क्या करते हैं कि अगर राहु, केतु और इन सब जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हमें बताते हैं. तो ये दोनों अलग चीजें हैं और इन दोनों का रिएक्शन भी अलग है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी. नाउ पार्ट वन, आपको पता है पहले इंट्रोडक्टरी लाइन्स होती है. दत्ता दा एन अमेजर साइंटिस्ट. अमेजर साइंटिस्ट मतलब शौकिया साइंटिस्ट, वो प्रोफेशनल साइंटिस्ट नहीं है. शौक में वो क्या करते हैं, उन्होंने एक टेलीस्कोप लिया है और वो तारों का अध्ययन करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है. तो वो दत्ता दा इज द कैरेक्टर एन अमेजर साइंटिस्ट कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आई दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग. ये दिव्य चक्षु कौन है? दिव्य चक्षु जो है उससे वो नजर ही नहीं हटाते हैं. स्टे अवे, वो दूर नहीं रह पाते हैं फ्रॉम द कीन आई दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर तक. दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन. तो ये जो दिव्या है, ये जो दिव्य है, वो दिव्य जो है उसने उसकी उनकी मदद की उनके सीक्रेट एम्बिशन को अचीव करने में. राइट जो दिव्या, दिव्य ने क्या हेल्प किया उसके उसके जो सीक्रेट एम्बिशन है उनको अचीव करने में उसकी मदद की. दत्तादास वाइफ इंद्रानी देवी विश ही हैडन फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च. और जो इंद्रानी देवी है वो ये चाह रही थी कि काश वो उस चीज की खोज ही नहीं करते जो उन्होंने किया है. ही इंद्रानी देवी विशेष ही हैडन्ट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, जिसे वो खोज रहे थे काश वो उन्हें मिलती ही नहीं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर. दिसंबर की रात जब चांद नहीं था. मूनलेस नाइट, आसमान में चांद नहीं था, ये वैसी रात थी. अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो. अब दिसंबर की रात आपको पता है बहुत ठंडी होती है, तो ठंडी हवाओं का झोंका, बर्स्ट ऑफ राइट कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी. इंद्रानी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए काफी था वो ठंडी हवा का झोंका. हाफ अवेक सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो. तो वो हाफ अवेक माने आधी जगी हुई. हाफ अवेक सी फेल्ट, उन्होंने जब हमारे साथ कोई रहता है तो हम फील करते हैं कि वेदर द जो एडजॉइनिंग पिलर, जो पिलो हमारे जो पास में साइड में पिलो है वो है कि नहीं. तो सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो सी न्यू द आंसर. लेकिन हालांकि उन्हें वो आंसर पता था, दत्ता दा वॉज नॉट देयर. जो दत्ता दा, जो उनके हस्बैंड है, वो बिस्तर पे नहीं थे. सो ही हैज गॉन टू हब नाउ विद दैट रचेट दिव्या. तो बड़े किल्लो, अब वो फिर चले गए हैं हब नाउ बातें करने के लिए उस दिव्या के पास. रचेट यहाँ मतलब मीन दिव्या के पास.
वो उसको दिव्या कहती थी, दिव्य नहीं कह के दिव्या कहती थी. At least he might have bothered to close the door. कम से कम वो दरवाजा तो बंद कर देते. At least he might have bothered to close the door. कम से कम दरवाजा वो बंद कर देते तो ये ठंडी हवा के झोंका जो है हमारे कमरे में नहीं आता और मेरी नींद नहीं खराब होती. Even as she, now hobnob का मतलब क्या है? Have friendly talk, spend time together. तो वो दिव्य चक्षु के साथ वो फ्रेंडली टाइम और क्या कर रहे हैं, टाइम स्पेंड करने चले गए हैं. बर्स्ट ब्रेक ओपन और अपार्ट सडनली वॉयलेंटली अचानक से ठंडी हवा का आना स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इम्पैक्ट और इटर्नल प्रेशर. किसी इम्पैक्ट या इटर्नल प्रेशर से अचानक से जो फूटता है बर्स्ट, तो यहाँ बर्स्ट का यूज किया गया. बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज, जो दरवाजा बंद था तो ठंडी हवा बाहर थी पर अचानक से पूरी ठंडी हवा आ गई. एडजॉइनिंग नेक्स्ट डोर जॉइंड विथ बगल में रेचेड, यहाँ मतलब मीन. नाउ तो जब वो कह रही थी अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा सोच रही थी, शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स इन रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. ये कहते कहते जो रानी देवी है वो अपने स्माइल को भी रोक नहीं पा रही थी. रिप्रेस हर स्माइल, अपने स्माइल को रोक नहीं पा रही थी. शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग. वो जानती थी कि जो दत्ता है वो कितने भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं उनके बारे में. अब उनकी उम्र हो गई है और दत्ता क्या भूल जाते हैं, डॉक्टर ने उनको क्या नसीहत दी है. Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? क्या डॉक्टर ने उनको नहीं कहा कि वो स्पेशल प्रिकॉशंस ले ठंड से बचने के लिए. बट ही वुडंट रिमेम्बर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर. लेकिन उन्होंने क्या किया, ये भी याद नहीं रखा कि वो एक स्वेटर पहन ले, हालांकि वो स्वेटर कहाँ पड़ा हुआ था, उन्हीं के बेड साइड के चेयर पे था. तो वो बिना स्वेटर पहने ही वो चले गए. किसके पास गए, दिव्या के पास. हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम. लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं भूल सकते हैं जब दिव्या का इतना प्रभाव है उन पर. हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम. दिव्या ने अपना ऐसा जादू चला रखा है उस पे, तो ये तो होना ही था. नाउ ऑब्लिवियस फॉरगेटफुल muttered say something in a low, जब बुदबुदाते हैं हम, say something in a low or barely audible voice, specially in dissatisfaction or irritation, जब हम परेशान होके जो हम बुदबुदाते हैं. repress means restrain, रोकना, prevent करना, inhibit the expression या development of something. utterly means absolutely, right? She picked up the white woolen pullover. तो स्वेटर क्या था, वो व्हाइट वुलन पुलोवर था. उन्होंने उसको उठाया, रैप्ड हरसेल्फ इन अ शॉल, खुद को शॉल से रैप किया, एंड मेड हर वे टू द रूफ, और छत की तरफ हो गई. टू ब्रेक अप हिज टेटेटेट विद दिव्या, तो दिव्या के साथ जो उसका टेटेटेट हो रहा था, उनकी जो चैटिंग हो रही थी हस्बैंड की, उसको रोकने के लिए वो ऊपर गई. She found them both huddled together eye to eye. उसने देखा दोनों आंखों में आंखें डाले, they are huddled together, साथ हैं. At least दत्तादा was looking into दिव्या's eyes. जो दत्तादा है वो दिव्या की आंखों में देख रहे हैं. Looking into दिव्या's eyes. When दत्तादा acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु. तो वो कौन है जिसके बारे में वो महिंद्रानी देवी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो उनका टेलीस्कोप है. स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था ना, जब हमने पॉइंट्स लिखे थे, तो वो दिव्या जो दिव्य चक्षु नाम है, लेकिन इंद्रानी देवी उसे दिव्या दिव्या करती है, हालांकि वो है दिव्य चक्षु. तो जब दत्तादा को ये टेलीस्कोप मिला था, जब उन्होंने इसे खरीदा था, ही वाज सो थ्रिल्ड. क्यों थ्रिल्ड, क्योंकि वो अमेचर साइंटिस्ट थे, तो ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु. टेटेटेट प्राइवेट मीटिंग टॉक बिटवीन टू पर्सन्स एक्वायर्ड. तो जब हम प्राइवेटली जब दो लोग बात करते हैं तो उनको टेटेटेट कहते हैं. यहाँ देखो ये दत्तादा, राइट,
ये व्हाइट पुलोवर वो लेकर आई है उनकी वाइफ इंद्राणी देवी और ये दिव्य चक्षु। कैसे दिव्य चक्षु? और ये सही में दिसंबर की रात को इतने ऊपर बिना किसी गर्म कपड़े के आना तो मीन्स हेल्थ को एक रिस्क में डालना है। तो ये इंद्राणी देवी स्वेटर लेकर ऊपर आई है और खुद उन्होंने सॉल ओढ़ी हुई है। डिवाइन आई, दिव्य चक्षु मीन्स डिवाइन आई। तो इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वुमेन। और इंद्राणी देवी इस टेलीस्कोप को कैसे लेती है? एक डिजाइनिंग लेडी की तरह लेती है। हु हैड एंस्नेयर्ड हर हस्बैंड, जिसने कि उनके हस्बैंड पे डोरे डाल रखे, एंस्नेयर्ड अपने जाल में फांस रखा है। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। और क्या क्या वो इसको दिव्या कहती है और जो ये नेम है ये लड़की का नाम होता है दिव्या, दिव्य को नहीं क्योंकि दिव्या कहती है, और ये एंड द नेम स्टक और ये नाम ही उन्होंने रख लिया। तो दत्ता दादा टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये जो टेलीस्कोप है वो दत्ता दा के लिए उनके पूरे जीवन भर के एम्बिशन को पूरा करने का एक जरिया है। मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। एज एन अमेजर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी टू बाय अ गुड टेलीस्कोप। तो वो एक अमेजर एस्ट्रोनॉमर की तरह वो काफी दिनों से सोच रहे थे कि एक टेलीस्कोप वो खरीदे। एज एन अमेजर एस्ट्रोनॉमर ही हैड लॉन्ग्ड फॉर, मतलब ही हैड विश्ड फॉर इनफ मनी टू बाय, ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी टू बाय गुड टेलीस्कोप। काफी दिनों से, लंबे समय से वो चाह रहे थे कि उनके पास इतने पैसे हो जाए कि वो एक टेलीस्कोप खरीद सके। नाउ एंस्नेयर्ड कैच इन और एज इन ट्रैप, जाल में फंसाना एस्ट्रोनॉमर ए स्कॉलर ऑफ द साइंस ऑफ द सन मून स्टार्स या प्लैनेट्स, जो कि सूरज चंद्रमा स्टार्स इनका अध्ययन करते हैं वो एस्ट्रोनॉमर, उनके बारे में वो जानकारी देते हैं। एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवंस। तो उनकी दो इच्छा थी, एक तो इतना पैसा हो जाए कि वो टेलीस्कोप खरीद सके और दूसरा इतना उनके पास समय हो कि वो आराम से स्काईज देख सके, हेवंस देख सके, ऊपर जो चांद तारों की जो दुनिया है उसे वो देख सके। ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी। तो जब वो रिटायर्ड हुए तो उन्हें काफी पैसे मिले और उनके पास अब समय ही समय था। द टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल, तो उन्होंने तुरंत टेलीस्कोप खरीदा और उसको रूफ में, छत पर उसने क्या क्या इंस्टॉल किया। एंड लॉन्ग वेयर द डार्क नाइट द दत्ता दा स्पेंट इन स्टार गेजिंग, और काफी सारा समय वो रात को तारों को देखते हुए बिताने लगे। राइट, एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो। इंद्राणी देवी तो ऐसा ही सोचती थी। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वॉन्ट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड ड्रेस टुमारो। तो इंद्राणी देवी ने क्या कहा कि लो स्वेटर पहन लो, क्या तुम चाहते हो नवीन बाबू तुम्हें बेड ड्रेस पे डाल दें कल? नवीन बाबू इज अ डॉक्टर। इंद्राणी देवी क्या कह रही है अपने हस्बैंड दत्ता दा को कह रही है कि आप जल्दी से स्वेटर पहन लो। नाउ दिस इज द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप आपने देखा। तो हमारी कोई भी इच्छा रहती है ना, दे कहते हैं कि इट्स नेवर लेट देन नेवर। आप जब भी आपको समय मिले, आप जब भी इस लायक हो कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको तो जरूर इच्छाओं को पूरा करो। तो इन्हें कब ये मौका मिला? जब ये रिटायर्ड हो गए, तो उन्होंने एक अच्छा सा टेलीस्कोप भी खरीदा और उनके पास अब समय की कोई कमी नहीं थी क्योंकि सुबह उठकर ऑफिस जाना नहीं था। तो वो रात जो है पूरी की पूरी रात वो क्या करते थे, चांद सितारों को देखते हुए बिताते थे। सो वट हैव वी लर्न टूडे? वी हैव लर्न, ये जो स्टोरी है वो एक कॉमेट के ऊपर है और जो दत्ता दा है, जो कैरेक्टर है, वो चांद तारों की दुनिया को बहुत अच्छे से समझते हैं, हालांकि वो अमेजर एस्ट्रोनॉमर हैं। तो उन्होंने एक टेलीस्कोप खरीदा जिसे उन्होंने छत पर इंस्टॉल किया है। तो लेट्स सी वट हैपन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन रीड द स्टोरी, लर्न द वर्ड मीनिंग एंड यूज द वर्ड्स इन योर डेली राइटिंग। I'll meet you again in the next session. Thank you.